इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति, उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है, हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। जहां से रोजगार निकलना था, जो बड़ी संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में बनाई थी, BHEL, HAL, रेलवेज, NTPC, ITI, नाम लीजिए, सबको आपने बेच डाला। अपने अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को, उन्हीं को, उन्हीं दो लोगों को बेच डाला। और आप रोजगार की बातें कर रहे हैं कि आप रोजगार देंगे, कहां से देंगे? भर्ती तो आप करा नहीं रहे हैं। छोटे दुकानदार, किसान, छोटे व्यापारी जो रोजगार देते थे, उनको आपने खत्म कर डाला। बड़ी बड़ी संस्थाएं आपने बेच डाली, तो कहां से देंगे रोजगार? और आज के दिन में जो सरकार रोजगार नहीं देती है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कह सकती।